सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज किस वीडियो पर मैं आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जैसा वीडियो एडिटिंग अपनी मोबाइल फोन के अंदर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो आज की इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आपको ऐसे एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल पीसी लेवल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। जिस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का नाम है Adobe Premiere Rush। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल सॉलिड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ना तो पेड एप्लीकेशन है और ना तो इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी वाटरमार्क देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आप अपने वीडियो को 4K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एंड इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे फीचर्स मिलेगा। एक प्रोफेशनल एंड एक एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर हमें मिलता है, लेकिन इस एंड्रॉइड की वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको उन सभी फीचर्स मिल जाएगा। और इस वीडियो पर मैं आपको इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैंने वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया Adobe Premiere Rush को। उसके बाद सिंपली हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहां से आप वीडियो ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और यहां से आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। कोई भी आप वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहां से मैं दो वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। दो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो नीचे दिखाई दे रहा है टाइमलाइन पर दोनों वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अभी आप अपनी वीडियो के यहाँ पर जूम कर सकते हो, अपनी वीडियो की टाइमलाइन को इस तरीके से आप जूम कर सकते हो अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हो। यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से मीडिया ऐड कर सकते हो, यानी कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी वीडियोज ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ऑडियो के ऊपर क्लिक करके आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से काफी सारी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर में आपको ब्राउज ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो आपको क्या चीज चाहिए। अगर आपको टाइटल्स इफेक्ट चाहिए तो आप सिंपली टाइटल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ढेर सारी टाइटल इफेक्ट्स मिल जाएगा। आपको इन सभी टाइटल इफेक्ट्स अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो कोई भी टाइटल इफेक्ट। उसी के साथ आप यहाँ से ओवरले को चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ओवरले चाहिए तो आप ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर ढेर सारी ओवरले मिल जाएगा। उसी के साथ आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि आपको सब्सक्राइब बटन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लिखने के बाद आप सिंपली सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि लाइक्स चाहिए हमें तो लाइक्स सर्च करेंगे, उसके बाद हमारे सामने लाइक्स बटन आ जाएगा। उसी के साथ आपको यहाँ पर और भी मिल जाएगा, लाइक ट्रांजेक्शन ग्राफिक्स चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स मिल जाएगा। उसी के साथ आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली आ जाते हैं बैक। ओके, बैक आने के बाद यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन मिलता है जैसे कि इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जो कि अगर आपको ब्लैक ट्रांजेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपकी वीडियो पर अप्लाई होगा। उसके साथ आपको यहाँ पर व्हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो व्हाइट आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पर और भी ट्रांजेक्शन मिलेगा जिनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे कि आप कोई लेयर ऐड करना चाहते हो या फिर अगर आप इसे एक लेयर बनाना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। ओके, जैसे कि देख सकते हो ये वाला वीडियो इसके ऊपर आ चुका है, यानी ये एक लेयर बन चुका है। अभी आप इसे इस तरीके से प्ले करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो पर कोई भी लेयर ऐड कर सकते हो। अगर आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कलर, तो कलर के ऊपर क्लिक करके बेसिकली आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सिंपली कलर के ऊपर क्लिक करना है। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे बनाए हुए प्रीसेट मिल जाएगा जिनके ऊपर आप एक क्लिक करके अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से और भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से अपना जो प्रीसेट उसको भी बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटेंसिटी वगैरह कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग एक्सपोजर को, सेचुरेशन को आप बढ़ा सकते हो एंड घटा सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप वीडियो का जो स्पीड है उसे कम कर सकते हो एंड उसे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, यानी वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो का फास्ट मोशन भी कर सकते हो।
इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, तो ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी वीडियो को जूम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके जो कि मैं आपको दिखाया था, इस तरीके से आप अपनी वीडियो को जूम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉक स्केल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अपनी वीडियो को ओपासिटी से कम कर सकते हो एंड आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल में। अब यहाँ से हम सिंपली आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा कट का ऑप्शन, तो कैची के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को कट कर सकते हो। जहाँ पर भी कट करना है आपको ये जो कर्जर दिखाई दे रहा है उसको वहाँ पर लेके जाएंगे, वाली कर्जर को, देन आप कैची के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप उस पार्ट को इस तरीके से कट कर लेंगे, यानी स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, एंड स्प्लिट करके आप उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप उस पार्ट को सिंपली डिलीट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी लेयर को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो इसके लिए आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे एंड आप प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके जो भी लेयर आप सिलेक्ट करोगे उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, आप इसे बार बार डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कोई भी गलती हो जाता है वीडियो एडिटिंग के दौरान तो आप यहाँ पर ऊपर में अंडू के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अंडू भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी गलती हुआ है आपसे उसको आप अंडू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो की कोई भी क्लिप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप उस पार्ट को डिलीट कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हो हमारा ये वाला जो क्लिप था डिलीट हो चुका है। अभी आप इस वीडियो के ऊपर कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए आप प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ से आप मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी इमेज या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ से एक फोटोज को चूज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड को चूज करते हैं, देन आप बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से इस वाली वीडियो पर रख लेंगे। ओके, जैसे कि देख सकते हो हमारे इसी वीडियो के ऊपर एक लेयर भी ऐड हो चुका है, यानी एक इमेज ऐड हो चुका है। अभी आप इस इमेज को चाहो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की मदद से। इसका जो ओपासिटी आप चाहो तो उसे कम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्केल का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसे छोटा कर सकते हो एंड इसे आप बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप सिंपली ऊपर में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि देख सकते हो क्वालिटी सेटिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका जो क्वालिटी उसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर मिल रहा है 4K 30 FPS, 4K मैच फ्रेम रेट, इसके अलावा ऑटोमेटिक, तो यहाँ से आप 1080 चूज कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे एक्सपोर्ट एट 1080p के ऊपर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो हमारा जो वीडियो यहाँ पर रेंडरिंग हो रही है, तो ये एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।